ऑल राइट, हे एवरीबडी, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। और आज मैं बात करूंगा जो स्पाइडर मॉलन आर्ट और विजय महार की एडिट थी, तो वो कैसे बनती है। तो ये मैंने बना रखी है अपनी फ़ोटो, पहले ट्यूटोरियल डाल रखा है, तो डॉजन बर्न उसी की तरह होगा। डॉजन बर्न है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट पॉइंट बताऊँगा कि आप ये कैसे बना सकते हैं फ़ोटो, क्योंकि ये बहुत लेंदी ट्यूटोरियल हो गया था, 6-7 घंटे हो जाते इसे बनाने में। अगर मैं बनाने बैठता तो आप देख भी नहीं पाते ना मैं अपलोड कर पाता। ठीक है, सबसे पहले इमेज है, मैंने यहाँ फेस पे लिक्विफाई कर रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच डाउन और थोड़ा नीचे स्ट्रेच डाउन, और फिल्टर और ये रहा लिक्विफाई। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने सेकंड स्टेप करा है इस फोटो में, वो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में भी मैंने थोड़ा ब्लैक कर रखा है, यहाँ पे आके ब्लैक से आप पेंट करेंगे तो यहाँ ब्लैक हो जाएगा, थोड़ा बर्न के लिए मैंने करा था। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको क्यों करा था। और ये एक सिंपल उसी की कॉपी थी कि शार्पन हो जाए इमेज, क्योंकि शार्प इमेज पे ही आपकी स्पाइडर दिखेगी, नहीं दिखेगी, प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सॉफ्ट लगेगी इमेज, तो इतनी अच्छी पॉप नहीं होगी जो मैंने पहले फ़ोटो अपलोड कर रखी है उसमें। तो ये मैंने एक स्पाइडर ले रखी है, स्पाइडर की मैं आपको PNG दे दूंगा, ओपेसिटी मैंने 9 कर रखी है इसकी, अगर इतनी हाई रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये है हमारी एज अ रेफरेंस, और ये फिर मैंने ब्लू आई के लेंस फ्लेयर बना रखे हैं। ये दोनों आपको PNG टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और ये भी PNG टेलीग्राम ग्रुप में, और PST भी टेलीग्राम ग्रुप में होगी। तो ये स्पाइडर मैंने ले रखी है, यहाँ सबसे पहले कर्व्स डाले हैं, थोड़ा सा ब्लैक करिए, पूरी पूरी फोटो को ब्लैक करा है, कोई इतना वो नहीं करा, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा नीचे करा है। फिर उसके बाद मैंने एक डार्क कर्व बनाया है, तो अभी मैं ये हाइड कर देता हूँ। तो डार्क कर्व अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्यों करा है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अराउंड लाइट से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही यहीं से करी थी। लाइट से क्या करा था मैंने, जो ये स्पाइडर की PNG थी ना, जस्ट मैंने इसके ऊपर ब्रशिंग करी थी, और जो लाइट का कर्व है वो थोड़ा सा अप कर दिया था बस, और जस्ट मैं पेंट करता गया। क्यों क्यों करा, क्योंकि जो चीज़ें पॉप हो जाएंगी, और फिर उसके बाद में उसके साइड साइड में हल्का सा मिड से मैंने पेंट कर दिया कि वो पॉप हो जाए थोड़ी सी, ये नीचे करके। ठीक है, फिर एक और एक्सपोजर बनाया मैंने कि अच्छे से बिल्कुल एक्सट्रूड हो जाए, एक्सट्रूड मतलब पॉपी हो जाए। और ये डॉजन बर्न अगर आपको अच्छे से आता होगा तो ये ज़रूर समझ में आ जाएगी चीज़, अगर नहीं आता तो ज़रूर प्रैक्टिस करें, ज़रूर आएगी ये। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये ब्रश से और नीचे कर दिया 2 स्टेप, पहले वाले में मिड में एक नीचे था तो यहाँ 2 नीचे है, और यहाँ मैंने जस्ट ब्रश कर दिया पूरे अपने एरिया पे, ये देख सकते हैं। अगर नहीं करूँगा वो क्या कहते हैं, पूरा सेलेक्ट और आउट नहीं करूँगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, और मैं थोड़ा करके भी दिखा देता हूँ आपको कि अगर ये कैसा दिखना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देख सकते हैं आप, ब्लैक ब्लैक हो रहा है। ठीक है, यही मैंने बस संभल संभल के करा है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं करा, धीरे धीरे टाइम लगा के करा है फोटो में, इसलिए अच्छी दिख रही है थोड़ी सी। और फिर उसके बाद मैंने एक यहाँ पे ड्रॉप शेडो बनाई है, ये जस्ट डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप शेडो आ जाएगी, और फिर इसको अलग करने के लिए राइट क्लिक क्रिएट लेयर्स में ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो दोनों अलग हो जाएंगी। और फिर उसको मास्क कर दिया मैंने कि मुझे नीचे की स्पाइडर की इमेज नहीं चाहिए थी, जस्ट यहाँ टेंटिकल्स की चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं अपनी इमेज में। अब इसको थोड़ा मैंने स्पाइडर्स के वेब डाले हैं, अगर आपको इसकी भी PNG चाहिए डायरेक्ट तो मैं भेज दूँगा आपको, ये कर देता हूँ एक्सपोर्ट एज PNG। तो ये भी आपको PNG अब मिल जाएगी, ये बन गई है। तो जस्ट आपको ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई करना होगा और ये पूरी सेम टू सेम आ जाएगी आपकी। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ जस्ट कलर एडजस्टमेंट है और सिंपल डन फोटो के साथ। सो यही था ट्यूटोरियल, या एक्सप्लेनेटरी नहीं है, जस्ट ब्रेकडाउन ट्यूटोरियल था कि आपको आइडिया मिल जाए। इसकी PST और सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, और एक ट्यूटोरियल पहले डाल रखा है मैंने इसके जैसा, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। अगर आपको डॉजन बर्न नहीं आता है तो प्लीज़ उस ट्यूटोरियल को रेफर ज़रूर करें, नीचे सारी लिंक गिवन होगी, और लिंक ट्री नाम के एक ग्रुप होगा उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने सारी लिंक डाल रखी हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। थैंक यू गाइस।